जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12th में हिंदी साहित्य में मैथिली सर्वगुप्त को पढ़ रहे थे। उनकी एक रचना पूर्व में हमने पढ़ी यशोधरा, आज उनकी दूसरी रचना जिसका शीर्षक है भारत की श्रेष्ठता का वाचन करें। भारत की श्रेष्ठता, जैसा कि शीर्षक से मालूम चलता था कि इसमें भारत भूमि की विशेषताओं के बारे में कवि ने वर्णन किया है। तो क्या वर्णन किया है, देखिए कवि गुप्त जी लिखते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल का, भूलोक का गौरव इस संपूर्ण धरती का, भूलोक यानी संपूर्ण धरती का, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल का, इस भूमि का, इस धरती का गौरव कौन है, इस संपूर्ण प्रकृति का पुण्य लीला स्थली, लीला स्थली कहते हैं आपको खेल की भूमि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रास सजाने के लिए आते हैं, राम यहाँ जन्म लेते हैं। तो ऐसे पवित्र और महापुरुष जिस भूमि पर आकर के अपनी क्रीड़ाएं, अपने खेल को दिखाते हैं, ऐसी पावन भूमि कौन सी है, प्रश्न पूछ रहा हूं। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जा, जिस भूमि पर हिमालय पर्वत, गिरी यानी पर्वत, हिमालय पर्वत है, जिस भूमि पर गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, ऐसा कौन सा देश है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, विश्व के सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है, किसका उत्कर्ष है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ देश है, उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है। खुद युद्ध दे रहा वो कौन है, वह भारतवर्ष है। तो भारत की विशेषताएं क्या क्या बताइए, कि संपूर्ण भूमि का ये गौरव है, ये भूलोक का गौरव है, इस धरती पर, भारत भूमि पर देवता भी रमण करने के लिए आते हैं, इस धरती पर हिमालय जैसा पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, संपूर्ण देशों में, पूरे विश्व के सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष हमारी भारत भूमि का है, और इस भूमि पर ऋषि मुनि भी तपस्या में लीन रहते हैं। तो ऐसी भूमि विश्व की सिरमौर है, सिरमौर यानी सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है, वृद्ध भारत, बूढ़ा भारत, बूढ़ा भारत का होने का तात्पर्य सबसे प्राचीन, वृद्ध यानी बूढ़ा भी होता है या प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन देश अगर कोई है तो वो कौन सा है, भारत है। इससे कई राष्ट्र ऐसे हैं जो आयु में इससे काफी छोटे हैं, हजारों वर्ष छोटे हैं, कोई सैकड़ों वर्ष छोटे हैं, विश्व के सबसे प्राचीन देशों में अगर किसी की देश की गिनती होती है तो वो भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है, सिरमौर होना सर्वश्रेष्ठ होना, सिर के ऊपर विराजमान योग्य है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, ऐसा पुराना कोई देश जो सबका गुरु हो, जो इतनी सारी विशेषताओं को रखता हो, विश्व में और कोई भी है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, भवभूतियां सांसारिक वैभव का, भगवान की भवभूतियों का, ईश्वर की सांसारिक वैभवता का यह प्रथम भंडार है। संसार की जितनी भी सुविधाएं, प्राकृतिक सुविधा जिसे कह सकते हैं, अगर कहीं उपलब्ध हुई है तो सर्वप्रथम भारत को उपलब्ध हुई है। यहाँ देखिए नदियाँ, पर्वत, मौसम, ऋतुएँ सब नाना प्रकार के हैं। कई देश ऐसे हैं जहाँ पूरे वर्ष एक प्रकार की ऋतु रहती है, हमारे यहाँ छह ऋतुओं को माना गया है, अलग अलग रंग उसके देखने को मिलते हैं, यहाँ मैदान भी है, पठार भी है, जंगल भी है, सब तरह के जो सुख साधन है प्रकृति के, भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, ये पहला भंडार है जहाँ सभी सुविधाएं दी गई है। विधि ने किया नर शक्ति का पहले यही विस्तार है, विधि यानी ब्रह्मा जी ने, जीव मनुष्य जीव की यदि उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इसी भूमि से प्रारंभ किया, मनुष्य पहला मनुष्य की उत्पत्ति, प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति भी इसी भारत भूमि से हुई है। क्या लिखा है कि विधि ने किया नर सृष्टि का, मनुष्य की सृष्टि का पहले यही विस्तार है, सर्वप्रथम यही से इसका विस्तार प्रारंभ हुआ, श्री गणेश यही सेवा, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, ये पवित्र भूमि, पुण्य यानी पवित्र भूमि, बड़ी प्रसिद्ध भूमि है, बड़ी
प्रसिद्ध भूमि है और इसके निवासी कौन है? आर्य जाति के लोग, यहाँ रहने वाले लोग कौन है? आर्य है, आर्य जाति के लोग हैं। विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं, और यहाँ के आर्य की विशेषता क्या है? विद्या कौशल कला सभी के ये प्रथम आचार्य है, आचार्य यानी शिक्षक है। भाव यह है कि विश्व में जितनी भी विद्याएं कलाएं उत्पन्न है या चल रही है, उन सब का जनक भारत भूमि है, यहीं से उत्पन्न हुई और फिर समूचे विश्व में वे फैली है। तो हमारे जो पूर्वज थे वे शिक्षक थे, वे आचार्य थे, इन नई नई विद्याओं के भी जनक थे, उन्हीं के माध्यम से विश्व में अनेक प्रकार की कलाओं का विस्तार हुआ। सनातन उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, अधोगति यानी पतन, अधोगति यानी पतन, हालांकि हम उनकी संतान हैं और आज हम पतन की ओर अग्रसर हो चुके हैं, हम में वो बात नहीं जो हमारे पूर्वजों में थी, ठीक है नहीं, हम आज क्या हो रहे हैं? पतन की ओर जा रहे हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम पतन की ओर जा रहे हैं या पतन हो गया है, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी है कुछ खड़े, पर आज भी हमारे पूर्वजों के वैभवता के चिन्ह उनकी स्मृतियां आज भी देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, आभास की जा सकती है। हमारे वर्तमान परिस्थितियों में तो हम पतन की ओर अग्रसर हो गए, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार का कार्य किया हम वैसा नहीं कर रहे, उल्टा डूबने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने उन्नत कार्य किए उनके चिन्ह उनकी स्मृतियां आज भी देखी जा सकती है। इस प्रकार इस कविता में भारत भूमि की अतीत की जहाँ एक और वैभवता को बताया गया है, वही वर्तमान परिस्थिति में हमारे पतन को भी दर्शाया। ये कोई कविता आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।